हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप कैसे पुराने अपने दुपट्टे को इस्तेमाल करके उनको 5 अलग तरीकों से टॉप में चेंज कर सकते हो बिना किसी कटाई सिलाई के। और ये 5 स्टाइल ऐसे होने वाले हैं कि जिसको आप सच में यूज़ कर सकते हो और कोई भी उनको देखकर ये नहीं कहेगा कि ये आपने दुपट्टे से ड्रेप किया हुआ है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइस, आज के दुपट्टा ड्रेपिंग के लिए मैं जो दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ ये मेरी सेमी नेट की है, तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है। और उसके बाद मैं दुपट्टे को 2 बार इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। और ये आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, हर किसी में जो ये फोल्डिंग होगी 2, 1 भी हो सकती है या 2 भी हो सकती है, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इनको कर सकते हो। और उसके बाद इनको अच्छे तरीके से आपको सेट करना है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल इनकी फोल्डिंग जो रहे वो एक समान होनी चाहिए। और जब आप इसको मोड़ लेते हो देन आपको इसको एक बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में इनको ऐसे करके मेज़र करना है। बिल्कुल इनका बीच वाला पार्ट आपको अपने फ्रंट पे इस तरीके से सेट करना है ताकि ये अच्छे तरीके से आपके बॉडी में सेट हो जाए। और उसके बाद पीछे की साइड से आपको इनको क्रिस क्रॉस करके दोनों जो यहाँ पे छोर हैं इनको ऐसे पकड़ना है। और उसके बाद इनको अपने शोल्डर के ऊपर से आपको फ्रंट पे ऐसे लाना है और ये जो सामने पट्टी बनी हुई थी उनके अंदर से इनको इन कर देना है और नीचे की साइड पे इनकी जो कॉर्नर्स हैं वो आपको निकाल लेना है। उसके बाद आपको इनको अच्छे तरीके से सेट करना है। और ये जो नीचे की कॉर्नर निकली हुई है आपको यहाँ पे एक रबर बैंड यूज़ करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल पतली वाली रबर बैंड है जिसको कि हम अपने हेयर में यूज़ करते हैं। तो अब मैं इन दोनों कॉर्नर्स को पकड़कर पीछे की साइड पर इनको रबर से मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइटली टाई कर दूँगी। जब आप इनको टाई कर लेते हो तो थोड़ा सा फैब्रिक को आपको इस तरीके से खींचना है ताकि ये बिल्कुल फ्लावर की तरह खिला खिला दिखे। और उसके बाद आप यहाँ पे इनका लुक देख सकते हो। और बिना टॉप के भी ये कैसी लगने वाली है वो भी मैं आपको बताऊँगी, जैसे कि आप फ़ोटोज़ में देख ही सकते हो ये विदाउट टॉप की है। और अंदर में आपको इनर वियर करना ही करना है क्योंकि दुपट्टा जो अधिकतर आती हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं, सो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अंदर में आपको इनर यूज़ करना है, विदाउट इनर आप इसको नहीं ड्रेप कर सकते हो। और इसके नीचे आप प्लाजो या फिर आप लहंगा भी वेयर कर सकते हो। अब आ जाते हैं स्टाइल नंबर 2 पे। तो स्टाइल नंबर 2 जो है वो हमारा ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप बनेगा, जिसके लिए आपको दुपट्टे को सेम स्टाइल नंबर 1 में जैसे आपने फोल्ड किया है वैसे ही आपको फोल्ड करना है। और ये जो फोल्डिंग होगी मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये थोड़ी सी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग रहेगी, तो मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इनको देखा है तो मैंने इनको 2 बार फोल्ड कर लिया। अब इसको फ्रंट में आपको बिल्कुल स्टाइल नंबर 1 की तरह ही रखना है, पीछे की साइड से ये फिर से क्रिस क्रॉस करती हुई आएगी, बट यहाँ पे आपका अब थोड़ा सा ये चेंज होगा स्टाइल नंबर 1 से। यहाँ पे आपकी जो कॉर्नर्स है वो आपकी शोल्डर से इस तरीके से थोड़ा सा इनको डाउन करते हुए आपको लाना है। और अगर आप राइट साइड से ला रहे हो तो वो आपकी लेफ्ट साइड के बाजू के पास जाकर सेफ्टी पिन से आपको इनको सिक्योर करना है, और अगर राइट साइड से आ रही है तो वो आपके लेफ्ट साइड पे सिक्योर होगी। यहाँ पे सेफ्टी पिन आपको बड़ी वाली ही यूज़ करना है और सुई की तरह चलाते हुए इनको इस्तेमाल करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप की तरह इसकी लुक आएगी और पीछे का लुक भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी स्टाइल बताए हैं सारे के सारे स्टाइल रिलायबल हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली जो ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप है आप इसको प्लाजो के ऊपर, लहंगे के ऊपर या फिर आप अपने डेनिम के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे से ये आपके सारे के सारे, यहाँ पे मैंने जितने आपको क्लोथ्स बताए हैं वो सारे फिट हो जाएंगे अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं स्टाइल नंबर 3 पे। तो स्टाइल नंबर 3 हमारे फ्रंट पे यहाँ पे फ्लावर वाला लुक आएगा, जिसके लिए आपको अपने दुपट्टे को ठीक उसी तरीके से फोल्ड करना है जैसे आपने सारे सेकेंड और फर्स्ट में किया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि
जो हमने पट्टी आगे की तरफ पहले हम दे रहे थे, अब ये पीछे की तरफ हमें रखना है और फ्रंट पे ये इस तरीके से हमें क्रिस क्रॉस करना है। आप देख सकते हो कि ये जो कॉर्नर हमारी पीछे से लेफ्ट साइड पे आई थी वो राइट साइड पे चली गई है, और जो राइट साइड से आई थी वो लेफ्ट साइड पे चली गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने शोल्डर पे इनको थोड़ा सा पतला करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा पतला कर लूँगी। और उसके बाद अपने शोल्डर के नीचे से ही मैं दोनों कॉर्नर्स को सेम डायरेक्शन से लाकर और फ्रंट पे मैं इनको यहाँ पे जो मैंने रबर यूज़ किया था स्टाइल नंबर 1 में, वही रबर मैं यहाँ पे यूज़ करते हुए इन दोनों कॉर्नर्स को पकड़कर अच्छे तरीके से टाई कर दूँगी। और ये हमारा फ्रंट में बिल्कुल फ्लावर्स की तरह ही आएगा ये लुक। तो थोड़ा सा आपको टाई करने के बाद फ्लावर जो आपकी बनेगी उसके फैब्रिक को थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना है ताकि वो खिला खिला सा लुक आए। और यहाँ पे जो नीचे की साइड पे जो यहाँ पे फैब्रिक है इसको थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से सेट कर ले रही हूँ। और अंदर में आपको इनर यूज़ करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको इनर यूज़ करना ही है, क्योंकि हर एक दुपट्टा ज़रूरी नहीं है कि मोटी फैब्रिक वाली आए, तो इसलिए अधिकतर जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। और यहाँ पे आप इसका बैक लुक देख सकते हो। तो सारे के सारे जो टॉप मैं आपको बताऊँगी सारे रिलायबल हैं, आप उनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और अब हम चलते हैं स्टाइल नंबर 4 की ओर। तो ये हमारा स्टाइल जो है वो हमारा सेकेंड लास्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि थोड़ा सा ये यहाँ पे फोल्ड जो आप करते हो उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना है। मैं बस इसको एक बार ही फोल्ड करूँगी, क्योंकि ऊपर में हमें इसकी ज़्यादा जो चौड़ाई रहेगी वो हमें चाहिए, इसलिए एक बार फोल्ड करने के बाद मैं इनको अपने लेफ़्ट साइड पर इस तरीके से इनके दोनों कॉर्नर्स को मिलाकर और यहाँ पर मैं इनको रबर से टाई कर दूंगी। ऐसे तो आप जो पिक में देख रहे हो मैंने इनको यहाँ पे बांधा हुआ था, तो इसलिए आप अगर इसको बांधना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हो। तो फैब्रिक को आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ इस तरीके से लिफ्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी सेफ्टी पिन यूज़ करना। बट अगर आप इनको बांधते हो तो आपका जो लुक आएगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो आपके शोल्डर के पास ये इस तरीके से मुड़ा हुआ आएगा, बट मैं आपको यहाँ पे सेफ्टी पिन यूज़ करके दिखा रही हूँ कि सेफ्टी पिन भी अगर आप यूज़ करते हो तो ये जो लुक होगा ये थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। अब जो ये दो यहाँ पे बचे हुए हैं फैब्रिक इस तरीके से, तो एक फैब्रिक को आपको नीचे की तरफ से करते हुए और इन फैब्रिक को आपको अंदर की तरफ इस तरीके से टक कर लेना है, और उसके बाद जो बची हुई एक फैब्रिक है उसको अच्छे तरीके से घुमाते हुए आपको इनको पीछे की साइड पे सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। ये वाली चीज़ को आपको सिक्योर करना ही करना है। ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे जो लुक होगा वो केवल वन शोल्डर टाइप का आएगा, और यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन यूज़ करूँगी। तो पीछे की साइड मैंने यहाँ सेफ्टी पिन यूज़ कर लिया, और ये आप यहाँ पर लुक देख सकते हो। तो ये वाली भी अभी जो टॉप स्टाइल है ये भी अभी बहुत ज़्यादा फैशन में है, आप देख ही सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मैं अगर बिना टॉप का आपको दिखाऊं तो ये हो जाएगा इसका बैक लुक, और फ्रंट लुक आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो अब इतने सारे स्टाइल बताने के बाद आपका जो मोस्ट फेवरेबल स्टाइल होगा वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और अब आ जाते हैं नंबर 5 की तरफ। तो हमारा जो पांचवा स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा इजी सिंपल है। यहाँ पे केवल आपको इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ना है और इनको ऊपर की तरफ से ऐसे आपको इनको थोड़ा सा आपको यहाँ पे लाकर और राउंड करते हुए आपको फ्रंट में एक सेफ्टी पिन यूज़ करना है। उसके बाद जो यहाँ पे बची हुई फैब्रिक है इसकी आपको प्लीट्स बनानी है। प्लीट्स बनाने के लिए जो यहाँ पर फ्लावर वाले लुक आए हुए हैं दोनों किनारों पर मेरे दुपट्टे पे, तो इनकी कॉर्नर को मैं इस तरीके से पकड़ूंगी और यहाँ से मैं इनको प्लीट्स बनाना शुरू करूंगी। प्लीट्स बनाने के बाद फ्लावर वाला जो एरिया है वो अंदर की तरफ रहेगा और सिंपल वाला लुक ऊपर की साइड रहेगा। उसके बाद मैंने अपने यहाँ पे नेक पे मैंने जो चोकर वियर किया हुआ है उसके अंदर से मैंने इनको आउट किया है, और उसके बाद जो बची हुई यहाँ पे फैब्रिक है इसको ऊपर की साइड पे दोनों को मिलाते हुए पीछे की साइड एक सेफ्टी पिन यूज़ करना है। तो ये मैं खुद से कर नहीं सकती थी इसलिए मैंने अपने सिस्टर को कहा, और फिर वो यहाँ पे सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हैं दोनों कॉर्नर्स को मिलाकर,
और उसके बाद ये आप यहाँ पे लुक देख सकते हो। तो फोटो में आप देख सकते हो कि नीचे वाली जो फ्लावर वाली लुक है उसको मैंने अपने प्लाजो के अंदर इन कर दिया है। बट ये अगर आप ऐसे भी वियर करते हो अपने जींस के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है। सो गाइस, कौन सी लुक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं आप सबसे मिलती हूँ अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।